हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज चलिए बनाते हैं चंद्रकला। इसको मिनी गुजिया भी बोलते हैं और इसको सीरा में डीप करके बताएंगे। सीरे वाली चंद्रकला है, तो चलिए आज इसको बनाते हैं और बहुत ही यमी बनेगा। बहुत ही अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में तो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसकी रेसिपी देखते हैं। तो 1 कप हमने चीनी ले लिया है और उसी कप से 1 कप पानी। तो इसको हम गैस पे चढ़ाते हैं और इसको पकाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरन बनाने के लिए सबसे पहले हमने मेवा ले लिया है खोए के अंदर फिलिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा नारियल है, काजू है, किशमिश है और चिरौंजी है। ये पोस्ता का दाना है, थोड़ा सा 2 चम्मच पोस्ता का दाना है। तो इन सबको पहले हम भून लेते हैं। सूखी कढ़ाई ले लिए हैं और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिए हैं। तो इसमें हम सब्जी भून लेते हैं, हल्का हल्का रोस्ट करके डालिए तो बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से हम भून लेते हैं पहले। इसमें हमने पोस्ता का दाना भी डाल दिया है, हल्का ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें हम नारियल का बुरादा ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच। तो इसमें डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ये भुन गया है, अब गैस धीमी कर देते हैं। अब हम इसको सब निकाल लेते हैं, इसमें किशमिश भी डाल के सब निकाल लेते हैं। अब मेवा को हम सारा निकाल लिए हैं। अब इसमें डालते हैं 3 से 4 चम्मच सूजी। तो सूखी कढ़ाई में इसको भूनते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही रोस्ट करना है इसको भी। अब देखिए ये भी हमारा भुन गया है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारा ये सूजी भी भून के तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। और हमने 250 ग्राम खोआ ले लिया है, 250 ग्राम से थोड़ा कम है। और इसको भी धीमी आँच में गट्टे से इसको भूनते हैं। देखिए इस तरीके से हमें भून लेना है, अब बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है कि पूरा एकदम लाल कर दें। तो हल्का फुल्का से भून के निकाल लेना है। अब हमारा हो गया है ये भी खोआ, अब बंद करते हैं इसको भी। खोआ को हमने खाली कर लिया है, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम खोआ को एकदम ठंडा कर लिए हैं, अब इसमें हम शिफ्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले पड़ेगा ये सूजी और ड्राई फ्रूट्स जो हमने सब भून के रखा हुआ है। इसमें बादाम भूल गए थे डालना, तो अभी हमने बादाम को काट के डाल दिया है। तो अब उसको डाल देते हैं। और जिस कटोरी से हमने खोया लिया था उसी कटोरी से थोड़ा कम चीनी डाल देते हैं। चीनी तो अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी चीनी नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये गुजिया का पूरन बन के तैयार हो गया है। अब मैदा लगाते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया था और 1/4 कप घी की मोयन करके आटा को गूंथ लिए अच्छे से। जैसे गुजिया का लगता है सेम वैसे ही बनेगा। और इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लिए हैं और इसको छोटी छोटी बेल लिए हैं। तो इसको हम कट करेंगे। तो 1 ग्लास की सहायता से इसको छोटे छोटे ऐसे कट कर देते हैं। तो इसको हम कट कर लिए हैं सारा बराबर कट करके। अब इसमें ये सीरा है, पक रहा है, और इसमें केसर के कुछ धागे भी डाल दे रहे हैं, तो इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है सीरा। तो अब हम गैस को ऑफ करते हैं। तो इसमें ये पानी लगा लेते हैं चारों तरफ, जिससे हमारा फिलिंग बाहर न निकले।
अब पूरन को इसमें भरते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लोई लेते हैं जो बेले हुए हैं, और उसको अच्छे से चारों तरफ से दबा दीजिए, जिससे खूब अच्छे से सील पैक हो जाए, बाहर हमारा बहे ना। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। फिर इसको देखिए ऐसे गूंथते हैं, ये देखिए। इस तरह की इस तरीके से सब चीज़ अपना सब बना के रख लीजिए। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो सारा हमने तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें देसी घी डालते हैं। देसी घी से बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। घी हमारा गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। अब उसमें चंद्रकला को डालते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही हमें सेकना है इसको। अब उसको उलट पलट के अच्छे से सुनहरा गोल्डन होने तक पका लेते हैं। अब हमारा ये हो गया है, कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब सीरे में डीप करते हैं। हल्का गरम हमारा गुजिया है, सीरा हमारा बिल्कुल ठंडा है। तो बहुत ज़्यादा सीरा गरम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब हमारा देखिए आधे घंटे बाद गुजिया बनके तैयार हो गया। चंद्रकला कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा बना है। खाने में तो बहुत ही यम्मी है। और इसको डेकोरेट कर दिए हैं पिस्ता बादाम काजू से। और आप इस तरीके से बनाइए दोस्तों।